हेलो सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए। देखो फ्रेंड्स, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सबसे इजी मेथड है। आपको याद करने कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जब आपको 15 मिनट का टाइम मिले तो उस टाइम पर आप ये टेबल बना सकते हैं, कोई टीचर मना नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको मैं अभी टेबल बता देता। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है 0/4 अंडर रूट, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 1/4 अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 2/4 अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 3/4 अंडर रूट, यहाँ आएगा 4/4 अंडर रूट, ठीक है। ये इतनी चीज़ याद रखना। आप देखो 0/4 कितना होता है, 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। 1/2 इसकी आएगी 1/2, 30 की डिग्री, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1 जा 2 जा तो 1/√2, ठीक है। ये आएगी 3/2 और ये आएगी 1, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है जो मतलब आप आराम से देख सकते हो। आपको पता ही है अभी ये इसका उल्टा होता है, तो यहाँ आ जाएगी 1, फिर 3/2, फिर यहाँ पर आ जाएगी 1/√2, फिर यहाँ आ जाएगी 1/2 और फिर यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है। अब आपको पता है, अगर हम अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 0, और फिर जब हम इसको करेंगे तो क्या बोलते हैं, ये 2 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/√3। आपको बस ये याद रखना है, ये तो आपको पता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। 1/2/3/2 जो आप करोगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/3 बस रह जाएगा, ठीक है। अब इसको आप करोगे तो ये कट जाएगा, ओनली 1 रहेगा यहाँ पर। इसमें देखोगे तो ये 2 2 कट जाएगा, बस √3 रहेगा। ब्रो ये बहुत इजी है, आप बस इसमें अपना थोड़ा सा आपको ये याद रखना है भाई कि हमें यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी। अब देखो ये हमें हमारे कितना आएगा, जब यहाँ पर 2 2 कट जाएगा तो ये हमारा √3 रह जाएगा, और यहाँ पर जब हम 0 डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड। अब आपको पता ही है ये टेन थीटा सेक थीटा मतलब कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कैसे निकालते हैं। तो अब बस यहाँ पर आपको क्या डालना है, सबसे पहले आप यहाँ पर डाल दो कोसेक थीटा, यहाँ पर डाल दो सेक थीटा और यहाँ डाल दो कॉट थीटा। अब आपको पता है इन सब का उल्टा ही होता है, तो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिफाइन जब डिवाइड करते तो उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। इसका निकलेगा 2, क्योंकि √3 यहाँ पर क्या बोलते हैं कट, मतलब जब आप इसको ये करोगे रेसिप्रोकल तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा। आपको अभी इसको रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो भाई बस इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। इनको अब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ तो चाहे आप इसका बिल्कुल मतलब उल्टा उतार दो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका उल्टा यहाँ पर उतारना है, क्योंकि हम सबको पता ही यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये अगला क्या करेंगे, कॉट थीटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। देखो भाई लोग, ये सबसे इजी मेथड है जितना मैं आपको बता सकता था, ये सबसे इजी मेथड है। आपको अब कोई नंबर कटने का डर नहीं है, तो बस एक ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितना कर सको, और प्लीज़ यार इसको शेयर करो, वीडियो को धड़ाधड़ दबा के शेयर करो यार। आप यार चैनल को पक्का लाइक पक्का करना और सब्सक्राइब पक्का करना यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब से यार मेरा थोड़ा सपोर्ट बढ़ता है। प्लीज़ 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 बाय।